हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन एक दिन में कैसे इनेबल करें। जी हाँ, सिर्फ एक दिन में, है ना सरप्राइजिंग। बट ये पॉसिबल है क्योंकि मैंने भी अपना चैनल एक दिन में मोनेटाइज किया है। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको अपनी सिस्टम की स्क्रीन पे और जानते हैं पूरा प्रोसीजर। अगर आपका फर्स्ट स्टेप यानी कि रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स डन हो चुका है और सेकंड स्टेप यानी कि गूगल एडसेंस अकाउंट में साइन अप भी डन हो चुका है और अब आपका तीसरा स्टेप यानी कि गेट रिव्यूड इन प्रोग्रेस शो कर रहा है, इसकी वजह से आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप डन होने के बाद थर्ड स्टेप पे यूट्यूब चैनल रिव्यू होने की स्टेज पर चला जाता है और इस स्टेज पर एक डेडिकेटेड यूट्यूब टीम मेंबर मैनुअली चैनल को मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेक करता है और उसी के बेस पर मोनेटाइजेशन के लिए रिजेक्ट या एक्सेप्ट करता है और इस प्रोसेस में काफी दिन लग जाते हैं और ये सब डिपेंड करता है यूट्यूब चैनल के कंटेंट, वीडियो, थंबनेल और चैनल के पर्पज पर। इसलिए किसी के चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल होने में एक दिन लग जाता है, किसी किसी के में 2 दिन लग जाते हैं और किसी किसी के में 7 दिन लग जाते हैं और किसी किसी के में 2 महीने भी लग जाते हैं। बट मैंने अपना ये चैनल सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में मोनेटाइज करवा लिया था, यानी कि थर्ड स्टेप को डन करने में मुझे सिर्फ 24 घंटे लगे थे। लेकिन अब आप जानना चाहोगे कि कैसे, वो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि मैंने अपने चैनल को 24 घंटे में कैसे मोनेटाइज करवाया था। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि एक भी पार्ट अगर आपने मिस किया तो पूरा प्रोसीजर नहीं समझ आएगा और फिर से आपको मोनेटाइजेशन इनेबल होने में प्रॉब्लम आएगी और थर्ड स्टेप इन प्रोग्रेस में ही पड़ा रहेगा। वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपके थर्ड स्टेप को डन करवाने में हेल्पफुल रही या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप डन हो चुके हैं, थर्ड स्टेप इन प्रोग्रेस है और थर्ड स्टेप को डन कराने के लिए सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो में लॉग इन करना है और लेफ्ट साइड में मोनेटाइजेशन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके सेंड फीडबैक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ये छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन होगी और आपको यहाँ पर कुछ लाइन लिखनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लाइन मैं आपको दे रही हूँ और मैं ये लाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगी और आपको एज इट इज ये लाइन पेस्ट या टाइप कर देनी है और कोई भी इनमें चेंज नहीं करना है। और ये लाइन इस तरह से है, हाय यूट्यूब टीम, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग वीडियोज ऑन माई चैनल एंड आई हैव कम्प्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर वॉच टाइम, बट माई चैनल इज नॉट मोनेटाइज्ड येट ड्यू टू एन अंडर रिव्यू प्रॉब्लम। I request you to enable monetization on my channel as soon as possible। और इसके बाद में आपको लिखना है अपने चैनल का नाम और चैनल का URL। आप अपने चैनल का नाम यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले YouTube Studio में लॉगिन करेंगे, आप अपने चैनल का नाम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसके बाद आपको मेंशन करना है चैनल का URL, वो आप यहां से कॉपी कर लेंगे। अब आपको यहां पे क्लिक करना है क्लिक टू हाईलाइट और
हाइड इन्फो। इसमें आप येलो कलर को सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं और ब्लैक कलर को सेलेक्ट करके आप किसी सेंसिटिव इन्फो को हाइड कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करके तीन स्टेप्स को सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रहे थर्ड स्टेप स्क्रीनशॉट में जरूर आना चाहिए, मींस जैसे मैं ले रही हूँ सेम वैसे ही आपको लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कर्सर आपको छोड़ देना है और छोड़ने के बाद डन पर क्लिक करना है और देखिए ये आ गया स्क्रीनशॉट और चेक करना है कि तीनों स्टेप्स क्लियरली शो हो रहे हैं और अब सिंपली आपको सेंड पर क्लिक करना है सेंडिंग फीडबैक। इस तरह से YouTube को हम फीडबैक सेंड करते हैं कि हमने YouTube मोनेटाइजेशन के जो टर्म्स हैं जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा चैनल थर्ड स्टेप यानी कि अंडर रिव्यू स्टेज पर अटका हुआ है, इसलिए हमें उनसे इस फीडबैक के थ्रू रिक्वेस्ट करनी है कि वो हमारे चैनल को जल्दी से रिव्यू करें और हमारे चैनल पर मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दें। इसलिए जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इस तरह से फीडबैक सेंड करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर इनेबल करवाया है और आप भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके चैनल पर भी बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके चैनल को मोनेटाइजेशन को जल्दी से जल्दी इनेबल करवाने में हेल्प करेगी। इन केस फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है उस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फीडबैक या सजेशंस जरूर शेयर करें जिससे मैं आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊं।